भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से केतु का यह गोचर परिवर्तन आपके जीवन को बहुत लाभान्वित करा पाएगा, ऐसा मान करके ये वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि अभी तक केतु देवता ठीक आपके 18 महीने तक भाग्य भाव को प्रभावित किया इन्होंने। और जैसे ही ये 30 अक्टूबर सन 2023 का वो दिन आएगा जब शाम के ठीक 5:43 को यही केतु देवता भाग्य भाव को छोड़ करके अगले 18 साल के लिए आपके अष्टम भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में 18 साल बाद इनका प्रविष्ट होना आपके अष्टम भाव पर, अब वो भी 18 महीने के लिए, क्या क्या आपके जीवन पर ला करके प्रदर्शित करेगा, इसे ही हम और आप मिलकर के समझने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे अब अपने कुंभ लग्न के अनुसार से आप यदि देखते हैं तो सटीकता ज़्यादा बैठेगी, अन्यथा इसे आप कुंभ राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। ठीक, केतु देवता अभी तक जो आपको प्रदान किए, माना कि हमने बहुत संघर्ष किया, माना कि हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन भाग्योन्नति का कोई दौर समझ में नहीं आया। कोई न कोई ऐसे कारण आ पड़ते थे, कोई न कोई ऐसी बाधाएं आन पड़ती थी जो हमारे भाग्य को मानो कि पैर पकड़ करके वापस फिर से खींच दिया। हम एक प्रगति के मार्ग पर चढ़ने का प्रयास करते थे, कुछ दूर चढ़ते भी थे, परंतु कोई न कोई बाधा आ करके हमें पुनः फिर से उसी स्थान तक पहुंचा जाती थी जहाँ से हमने प्रारंभ किया था। तो क्या अब ये केतु देवता आपके जीवन को लाभान्वित करा पाएंगे? इस बात को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि अभी तक ये थे वायु तत्व की राशि पर, अब ये प्रविष्ट होंगे कन्या राशि पर, अर्थात कि पृथ्वी तत्व की राशि पर ये प्रभावी बन जाएंगे। अष्टम भाव पर केतु का गोचर यूं तो देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा शुभकारी नहीं होता, परंतु हम आपको वो टेक्निक बताएंगे जिससे आप इसी केतु के द्वारा बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं अपने जीवन पर। सबसे बड़ी जो फायदे की बात ये होगी कि एक तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। भाई अब तक वो भाग्य भाव पर थे, भाग्य को छोड़ दिए, तो किस्मत का साथ आपको मिल गया। माना जाता है जिसको किस्मत का साथ मिल जाए और अपने कर्मों का संयोग बन जाए, उसका जीवन महान बनने से संसार में कोई व्यक्ति रोक नहीं पाता, और शायद इसी कारण से भाग्य को इन्होंने छोड़ दिया। अब ये नवम भाव है तो नवम भाव से संबंधित बहुतों ने अपने जीवन पर देखा है कि नवम भाव हमारे पिता का होता है, तो पिताजी के किसी न किसी रूप में उनकी कमी को भी आपने जीवन में देखा, या तो उनसे मानसिक विवाद की संभावना, आपसी मतभेद की संभावना, या पिता को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाना, कहीं ना कहीं इस केतु के नवम भाव पर प्रभाव को आप समझ सकते हैं। नवम भाव ही हमारे उच्चाधिकारी होते हैं, हमारे जो बॉस होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उनके साथ भी वैचारिक वैमनस्य को होते हुए भी बहुतों ने अपने जीवन पर आत्मसात किया था। सिर्फ यही नहीं, केतु देवता आपके लग्न को प्रदर्शित कर रहे थे, इसका मतलब स्वास्थ्य जनित परेशानियाँ भी निरंतर बनी हुई थी पिछले 18 महीने से। आप ये मानिए कि हम कोई दवाई लेते थे उसके बाद भी उस दवा का असर हमारे ऊपर नहीं होता था, कहीं ना कहीं केतु का ये एक नेगेटिव प्रभाव आप मान सकते हैं। केतु यदि आपके नवम भाव पर थे तो ठीक इनके सामने आपके राहु देव विद्यमान थे, राहु देव आपके तीसरे भाव आपके पराक्रम भाव पर थे। पराक्रम तो आपने खूब दिखाया, अपना मेहनत किया, अपना हिम्मत दिखा करके अपने बड़े से बड़े बाधाओं को, अपने चुनौतियों को दूर करने का आपने साहस किया, लेकिन स्थिति फिर से वही जस की तस बनी हुई है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन अभी अब ये होगा कि जैसे ये केतु देवता गोचर परिवर्तन करते हैं 5:43 को 30 अक्टूबर के दिन ये अष्टम पे आ जाएंगे। अब अष्टम भाव वास्तव में देखा जाए तो केतु इस भाव के कारक ही माने जाते हैं। एक तो हमारे शनिदेव अष्टम भाव के कारक हैं, दूसरा केतु को भी अष्टम भाव के कारक माने जाते हैं। तो कारकत्व के दृष्टिकोण से यह केतु का गोचर कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए बहुत अनुकूल होने वाला है। कुछ सकारात्मक होंगे तो कुछ नकारात्मक भी होंगे, इन दोनों ही पॉइंट को समझिए और कैसे इनके उपाय के द्वारा आप लाभान्वित हो सकते हैं इस बात को भी आप जानिएगा, इस बात को भी आप समझिएगा। अष्टम भाव चूंकि माना जाता है बाधाओं का, डिप्रेशन का, तनाव का, तो बहुत ऐसे संभावनाएं बन सकती हैं कि
कुछ ऐसे संभावनाएं बनेंगी कि शायद हमको कुछ डिप्रेशन का शिकार होना पड़ जाए, कोई बाधाएं पहले से चल रही हैं उनको लेकर के हम कुछ समय के लिए परेशान हो सकते हैं, कुछ तनाव से युक्त हो सकते हैं। इस बात पर आपको ध्यान रखना है कि कहां से मेरे डिप्रेशन, तनाव, मेरी बाधाएं बढ़ रही हैं, वहां आप ध्यान रख करके उस पर कार्य करके उससे मुक्ति पाने का एक प्रयास कीजिएगा। ये केतु आपको समर्थन देंगे। और दूसरी ओर इसके जो सकारात्मक प्रभाव ये होंगे कि केतु अष्टम में जब होते हैं, माना जाता है कि ये स्थान ऑकल्ट साइंस का है, गुप्त ज्ञान विज्ञान का है, हमारे पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जाप ताप, इन सब स्थानों का होता है। तो यदि इससे जुड़ कर के आप कार्य करते हैं, आपको सफलता मिलने बहुत ज़्यादा अग्रसित हो सकती है। अष्टम भाव ही हमारे रिसर्चर भाइयों के लिए है। यदि आप रिसर्चर हैं, यदि आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं किसी फील्ड पर, आप ये समझिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। 18 महीने आपके लिए ये आपके साथ रहेंगे। कोई नया कार्य आपको खोज करना है, कोई वैज्ञानिक है यदि, या फिर किसी कार्य को आपको खोज करना है, इसके लिए केतु से अच्छा ये ट्रांजिट आपके लिए नहीं हो सकता। आपको बहुत कुछ निकाल करके ये केतु दे पाएंगे। आप यदि ये एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम देख रहे हैं तो ये समझिए कि अष्टम भाव के केतु का प्रभाव है जो हमें एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी हमारा मन आकर्षित करता है। और शायद ऐसे समय पर आप यदि इससे जुड़ते हैं तो सफलता भी आप प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को भी समझिएगा। अब ये केतु देवता अष्टम भाव पर तो हैं। अब जहाँ से यदि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में कुछ प्राप्त होने की संभावना है, वहाँ पर विलंब हो सकती है। यदि पिता के द्वारा कुछ धन प्राप्ति की संभावना है, उसमें विलंब हो सकती है। क्यों? क्योंकि नवम भाव से ये 12वें भाव पर इनका गोचर है, तो यहाँ पर एक अवरोध उत्पन्न हो सकता है, इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा। दूसरी ओर केतु देवता जब अष्टम भाव पर होंगे, इनकी सप्तम दृष्टि होगी कहाँ? सीधे आपके धन भाव पर। और धन भाव पर ऑलरेडी राहु देव पूरे 18 महीने प्रभावी रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहु देवता आपकी भूख बढ़ाएंगे, अर्थात राहु जहाँ रहते हैं वहाँ अटैचमेंट बढ़ा देते हैं, और केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ डिटैचमेंट ला देते हैं। एक तो प्रवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसित करते हैं, और दूसरे हमें निवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसित करते हैं। राहु देवता आपके धन बढ़ाने के लिए आप बहुत सारा प्रयास करेंगे, आपके धन को कैसे मेरे धन बढ़े, कैसे मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर पाऊं, क्योंकि दूसरा भाव हमारा फैमिली, हमारा कुटुंब होता है, इस पर आप सबसे ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। दूसरी ओर केतु देवता अष्टम भाव पर होकर के जो धन आपके कहीं फंसे हुए हैं उसे निकालने के लिए आप ज्यादा प्रयास करेंगे। और यकीन मानिए, यदि आपने अच्छे ढंग से उस प्रयास को कर लिया तो पैसे कहीं से मिलने वाले हैं या कहीं फंस गए हैं, वो पैसे भी रिकवरी होने की संभावना इसी दरमियान आपको बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होगा। अब इस केतु के प्रभाव को कैसे और सकारात्मक बनाया जा सके, इसके लिए सीधे सीधे उपाय यही बनता है कि भगवान श्री गणेश जी महाराज। भगवान श्री गणेश का संबंध इस केतु से होता है। इस केतु को माना जाता है ये भगवान श्री गणेश के रिप्रेजेंटेटिव ग्रह माने गए हैं, इसलिए जब जब इस केतु के सुप्रभाव को लेना है, भगवान श्री गणेश की आराधना करना है। आप इस समय पर कुछ समय भगवान को दीजिए, ईश्वर को दीजिए, क्योंकि अष्टम भाव पर केतु हैं। और केतु भूलिएगा मत एक सन्यासी हैं, एक धार्मिक कार्यकर्ता के रूप में माना जाता है इस केतु को। और जो जितने मिलिट्री सेना के जो कर्मचारी हैं, जितने हमारे सेना के ऑफिसर हैं, वो सब के सब इन्हीं केतु को ही प्रभावी कर बनाते हैं, या केतु उन सबके रिप्रेजेंटेटिव ग्रह माने जाते हैं, आप ये भी समझ लीजिए। तो गणेश जी कौन है? तो गण नायक है, मतलब कि सभी जितने गण हैं उन सब के नायक हैं, मतलब अध्यक्ष हैं। तो आपको भी एक नायक पद की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए आप भगवान श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं। हरा हरा दुर्वा लेकर के भगवान श्री गणेश पर अर्पण कीजिए, ओम गं गणपतये नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर अपने इष्ट देवता से जुड़ करके भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये केतु देवता माना कि अष्टम भाव पर हैं, परंतु ये बहुत कुछ, क्योंकि अष्टम भाव हमारे गड़े हुए धन का होता है, अष्टम भाव पाताल लोक का होता है। तो इस समय पर पाताल लोक में भी यदि आपके सुख संपदाएं समाहित हैं, वहां से भी निकाल करके आपके पास लाने का वो सामर्थ्य आ सकता है। देखिए, ग्रह गोचर अनुकूल होते हैं, करना तो हमें है, यदि हमने उस कार्य को सही ढंग से कर लिया तो ये ग्रह गोचर हमारे अनुकूल हो जाते हैं, जो प्रतिकूल हैं वो भी अनुकूल हो जाते हैं। तो कैसे आपके जीवन में अनुकूलता नहीं आएगी, आपको ये बात स्वयं समझना और जानना है।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री गणेश।